हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज अमन। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक स्किन प्रोडक्ट जो कि प्लम कंपनी का कैमोमाइल एंड वाइट टी फेस वॉश है, इसका रिव्यू करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप भी इस प्रोडक्ट को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाएगी। आज के इस वीडियो में प्रोडक्ट की पैकेजिंग और इसके बारे में जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो, और जो इसका रिव्यू है उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग की। तो मैंने ये जो प्रोडक्ट मंगाया था ऑनलाइन मंगाया था, और ये एक इस तरीके के बॉक्स में आया था और काफ़ी मजबूत ये बॉक्स था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नो डाउट टू से कि प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ आया। और उसके बाद ये आप एक फेस वॉश तो देख ही रहे हैं दोस्तों, ये आया, ये बिना किसी बॉक्स वगैरह के अंदर आया था। और साथ ही साथ जो आप इसके बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, इस तरीके के मैनुअल्स और ये कुछ स्टिकर्स थे जो आए थे। मैनुअल में इनके प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी वगैरह यहाँ पे दे रखी है, तो वो मैं ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं जा रहा। और ये स्टिकर यहाँ पे इसलिए आए थे, थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, इसके बारे में इसलिए मैं बात करना चाहूँगा कि इन स्टिकर्स को आप आपके जो ज़रूरी काम की चीज़ें हैं उन पर चिपका कर और इनके फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पे उनके साथ शेयर कर सकते हो, जो भी इस कंपनी के ऑफिशियल्स अकाउंट्स हैं, तो वो कुछ उसमें आपको हो सकता है प्राइस वगैरह दें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इनके साथ आई थी, इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा अभी। और हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो अगर मैं बात करूँ इसकी, जो पैकेजिंग में कैप है इसका, काफ़ी अच्छा कैप है, हाइजेनिक है, फ्लिप फ्लॉप है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा है। तो ये जो कैमोमाइल एंड वाइट टी फेस वॉश है दोस्तों, 120 ml क्वांटिटी में आया था। और जो ये प्रोडक्ट है ये 2 साल की एक्सपायरी के साथ आया था, और इसका जो प्राइस इस पर लिखा हुआ है MRP वो 495 rupees है। अब मैंने इसको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ख़रीदा था, तो मुझे उस समय 25% ऑफ चल रहा था, तो ये 25% ऑफ ऑलमोस्ट 370-375 के आसपास कुछ प्राइस में मेरे को ये मिला था। और दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने इसमें बैकसाइड में काफ़ी जो इंग्रेडिएंट है उनकी इन्फॉर्मेशन और इसमें क्या चीज़ें नहीं हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशनल टाइप ऑफ स्किन के लिए अच्छा प्रोडक्ट है, बट यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि ये जो प्रोडक्ट है ये वेरी ड्राई स्किन जो होती हैं, ऑयली स्किन जो होती हैं और एक्ने प्रोन स्किन जो होती है, उन स्किन के लिए नहीं है अच्छा। वो क्यों नहीं है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई बातें पैकेजिंग के बारे में। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक दो चीज़ें और बताई हैं कि जैसे ये वेगन प्रोडक्ट है और इसमें टॉक्सिस केमिकल्स वगैरह नहीं यूज़ किए गए हैं, और एनिमल टेस्टेड ये बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इनके इंग्रेडिएंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे इनके बारे में डिटेल गूगल पे जानकारी निकाली, तो सारे इंग्रेडिएंट तो इनके अच्छे नहीं हैं। दोस्तों, बात करते हैं जो 2 मेन इंग्रेडिएंट इन्होंने यूज़ किए हैं, जो कि हैं कैमोमाइल और वाइट टी। तो इन्होंने बताया है कि जो सनलाइट होती है वो हमारी स्किन पे रिंकल्स ला सकती है और हमारी स्किन पे ये स्पॉट्स क्रिएट कर सकती है, और साथ ही साथ हमें इरिटेशंस वगैरह भी कर सकती है जिससे हमारी स्किन डैमेज भी हो सकती है। तो उस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने यहाँ पे दो ये जो कैमोमाइल और वाइट टी यूज़ किया है। तो ये क्या करता है कि एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है और जो हमारी स्किन को सॉफ्ट करेगा, रिफ्रेश करेगा, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि एंटी एजिंग फॉर्मूला भी होता है जो हमारी स्किन को अधिक समय तक जवान बनाए रखने के लिए उपयोग करते हैं। और कैमोमाइल का जो इस एक्सट्रैक्ट यहाँ पर यूज़ किया है ये तो बेसिकली स्किन रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे इसका जो ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जो इनका ये प्रोडक्ट है इसमें थोड़े थोड़े स्क्रबिंग पार्टिकल्स हैं, और जो इसका फ्रेगनेंस है वो लाइट और एकदम जेंटल फ्रेगनेंस है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और झाग जो नॉर्मल फेस वॉश होते हैं उनके तरह ही बनाता है, स्किन को क्लीन भी करता है। और जो दोस्तों मैंने इसको 1-1.5 महीने यूज़ करने के बाद जो इसके इफ़ेक्ट देखे हैं कि हमारी स्किन को ये ब्राइट करता है, स्किन पे निखार लाता है, जो मैंने इस प्रोडक्ट के साथ यूज़ देखा है। और ड्राई स्किन के लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा जब इसको यूज़ करते हैं तो स्किन पे थोड़ा सा ड्राइनेस फील होता है, तो जो ड्राई स्किन होती है उन स्किन के लिए भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा या सुटेबल प्रोडक्ट है।
दोस्तों एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे ही यहाँ पे दिखाया है कि इसमें जो टॉक्सिस केमिकल्स नहीं है, SLS फ्री है ये, और DEA पैराबीन फ्री है, एनिमल टेस्टेड नहीं है, एनिमल बेस्ड इंग्रेडिएंट नहीं है, चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो आप यहाँ पे दूसरा ही जो इंग्रेडिएंट देखोगे वो SLES है, जो कि एक अच्छा ही डिटर्जेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी केमिकल्स हैं जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।